हाय माय हेल्दी फैमिली, नमस्कार। मैं अर्चना, वेलनेस कोच, योगा कोच, और आज भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके हाजिर हूँ। सो बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाली है वो कैसे हमें जो सर्दी भूकंप जो होते हैं, जो ब्रोंकाइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उस टाइम में, उस प्रॉब्लम के लिए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमको कौन सा पॉस्चर, कौन सा योगा आसना, जो व्यायाम हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, इसका बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। तो ये जो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे आपका ब्रोंकाइटिस रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, बेसिकली ना हम लोगों को जो ये जो ब्रीदिंग लेते हैं, जो ब्रीदिंग सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सिस्टम जो जो अंग शरीर का जो जो अंग जो ऑर्गन लेके जो जो संपन्न होते हैं, जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जो जो ऑर्गन काम करते हो, चाहे हमारा माउथ हो, चाहे हमारा नोज हो, हमारा जो लंग, टू ब्रोंकाई एंड अनदर जो लैरिंग्स, फैरिंग्स, तो ये सारी जो ऑर्गन के अंदर कोई भी एक जगह में अगर इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, तो उसी का कारण के हिसाब से हम सर्दी, जुकाम और ब्रोंकाइटिस के रिलेटेड हम फेस करते हैं। तो इसका रीजन ढूंढा जाए तो अगर आप बहुत सारी वेदर का चेंजेस, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप ज़्यादा ठंडी ठंडी चीज़ जैसे कि आइसक्रीम वगैरह, ठंडी पानी, ज़्यादा फ्रिज का वाटर ज़्यादा पी लेते हो, तो गर्म से आज के अचानक ये सारी वाटर पी लेते हो, तो ये सारे रीज़न के लिए। और अनदर थिंग है कि अगर आपका नींद नहीं आता है, नींद बहुत कम होते हैं, इंसोमनिया जैसा कि प्रॉब्लम है आपका, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप नींद के लिए सफ़र करते हो, अगर आप बहुत मेहनत करते हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है आपको हो सकते हैं। और अनदर थिंग ये है कि अगर आप जिस एरिया में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, उधर का एनवायरनमेंट सही नहीं है, मतलब बहुत पॉल्यूटेड है, बहुत ऐसे गंदी एक एनवायरनमेंट है, तो उसी की वजह से भी ये सारी चीज़ हो सकता है, होता है, स्मेल की वजह से ना होता है, क्योंकि हमारे जो नोज़ है ये बहुत सेंसिटिव है, तो हम इस सारी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। तो आप ये सारी रीज़न अब अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड कीजिए, जितना हो सके अवॉइड कीजिए, ओके। एंड आपका जो आसन, मैं आज एक लिस्ट देने वाली हूँ, बेस्ट कुछ आसन मैं लेके आया हूँ, वो सारी आसन आप अगर हर रोज प्रैक्टिस करें, तो ये सारी प्रॉब्लम का आप छुटकारा मिल सकते। सो आइए जानते हैं कौन सा आसन हमें प्रैक्टिस करना है। नंबर वन, thank you.